आउटफिट शॉप्स हैं कंप्यूटर्स की और एनिमे फिगर्स हैं यहाँ पे। वो है जो बच्चा और बच्ची सेम डिजाइन के पहनते। जो खाने की सिचुएशन है वो कल रात को हम लोग लाए थे, ये एग फ्राइड राइस है, इसके साथ रोचिमा था, वो जो बन टाइप नहीं होता जो हम दो तीन दिन से खा रहे थे। चावल इनके बहुत फारग हैं, आप इनके चावल खाते हो ना तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप प्लास्टिक खा रहे। मैंने कोशिश की थी मैं इसे खत्म कर दूं क्योंकि मुझे खाना जाया करना अच्छा नहीं लगता। पर से नीचे आया हूं, हमारे नॉर्मल है, अच्छे लोग हैं, लाइटिंग थोड़ी फारग है, न्यू ईयर इनका 27 को, चीजें सजा रहे हैं। मेहनती लोग, हम लोग न्यू ईयर पे कुछ नहीं करते और ये लोग काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे थे बेटा? वो देखिए न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हो रही है। मेरा ना पार्सल एक आया हुआ है तो हमने वो पिक करना है 14,500। वो अंकल हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने पहला पार्सल, ये मेरी पहली डिलीवरी है, तो मैंने ना कुछ दिनों से ना एक डिलीवरी की हुई थी क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी एक अच्छी चीज़ होती है और आप बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन डिलीवर करवाते हो, तो ये पहली चीज़ थी जो एक चाकू है। हालांकि मैं कुकिंग नहीं करता, ये उन लोगों के लिए जो मेरे और आप लोगों की फ्यूचर भाभी के दरमियान में आने की कोशिश करेंगे ना, ये उनके लिए एज अ वार्निंग साइन हमने परचेज किया है। अच्छा, आसिम भाई को 10 मिनट वेट करवाने के बाद हमने दोबारा ज्वाइन कर लिया। यार वजह नहीं बता सकते, ये पब्लिक व्लॉग है। एनी हाउ यू नो फ्यूचर ऑप्शंस के लिए हमने आसिम भाई का 10 मिनट वेट करवाया क्योंकि कभी कभी आपको अल्टरनेट ऑप्शन जिंदा रखने पड़ते हैं। हम इस वक्त मेट्रो में हैं और हमारा प्लान है सेगा मॉल जाना है। ऑल्दो हम ज्यादा शॉपिंग नहीं करते क्योंकि शॉपिंग करने के लिए आपको हैवी बैंक बैलेंस चाहिए होता है। अभी हम लोग सेगा मॉल जाएंगे, फिलहाल मेट्रो में है, मेट्रो से ज्यादा ट्रेवल करना आसान होता है। हमने दो ट्रेन चेंज करनी है ना, लाइन 5 और लाइन 2। फॉरनर होने का एक बेनिफिट ये होता है कि कोई आपको रोकता नहीं है कुछ करने से, आप अपनी मर्जी से चीजें कर सकते हो, लेकिन नजायज फायदा नहीं उठाना। पता नहीं आवाज आ रही है नहीं, लेकिन दुबई वाली फीलिंग आ रही है। वहाँ पे भी एक एक्वेरियम है जहाँ पे ऐसे डॉल्फिन लगी हुई है। मुझे पहली दफा ऐसे लाइफ में लग रहा है कि मैं किसी अच्छी जगह पे शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। लाइक देख रहे हो, ये कपड़े देख रहे हो, ये वो है जो बच्चा और बच्ची सेम डिजाइन के पहनते। यहाँ पे ऑफर चल रही है कि अगर आप 600 RMB की शॉपिंग करोगे तो 300 फ्री होगा। मूड है कि हम लोग ने एक जैकेट खरीद लेते हैं। हमें अभी अभी स्टोर पे विजिट किया, ये अच्छा स्टोर था लेकिन मुझे प्राइसिंग का नहीं पता। वो देखो फेक परिंदे, इनके पास परिंदे नहीं है यार, गरीब लोग गरीब लोग। इस मॉल की प्राइसिंग भला किस तरीके से है? जितना मेरा एक मंथ का स्टाइपेंड है ना, ऑलमोस्ट उसके आसपास एक जैकेट है। जिम के शौकीन लोगों के लिए जिनका सारे जिंदगी ख्वाब रहा है और उन्होंने कभी अंडर आर्मर से कभी शॉपिंग नहीं की। यार मेरे बचपन का ख्वाब गैंगनम मैन चीजों के पैसे जाया कर सकते। मैं इनमें देख रहा, अगर मुझे इनमें से कोई अच्छा नजर आता है ना तो हम बाय कर लेंगे। और एनिमे फिगर्स है यहाँ पे, ये ड्रैगन बॉल जी का गोकू है, मैं ये देख देख के बड़ा हुआ। वो देखो बोडैक है साथ। ये द ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि हम एनिमे फैंस हैं और आप लोगों को नहीं पता और हम इस पे एनिमे स्टोर के अंदर खड़े हैं जहाँ पे आप चीजें बाय करते हैं। नारुतो, ड्रैगन बॉल जी, ये पोकेमोन क्या ना, ये वाले पोकेमोन। बचपन के प्यार के बारे में पूछा कि रियस ग्रिमरी है और उसने कहा नहीं है, तो अब हम लोग स्टोर को डिच करा के आगे जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आगे भी अगर इस तरह का स्टोर मिला ना और वो 150 की रेंज में, तो हम एक आधे अपने रूम की डेकोरेशन के लिए बाय करेंगे। यहाँ पे कितनी फिट शॉप्स हैं कंप्यूटर्स की। अभी हम रोग वाली शॉप पे गए, लेकिन वो महंगे हैं, 12,000-20,000-30,000। ये सस्ते हैं 10,000। NVIDIA RTX 3050, ये 3060 है, i9 12th generation। मैंने एक DJI Osmo देखा है और मेरा दिल उसके ऊपर आया है, लेकिन उससे पहले एक माइक खरीदेंगे और उसके बाद उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जरा आदमी हमें कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, अब वो ट्रांसलेटर लेने गया है क्योंकि हमें नहीं उसकी समझ आ रही, हम चाइनीज नहीं बोलते। अच्छा, तो फोन के अंदर ना कोई बेंट नजर आता है, इसमें फील होता है, मुझे लगता है ये सीमलेस है, नजर भी आता है, बहुत अच्छा खासा नजर आता है। देख रहे हैं हवा में उड़ी है जैकेट, यहाँ बच्चे बहुत खूबसूरत है, वो देखो थोड़ी सी नीचे बैठी हुई है। हम लोगों ने फाइनली इधर से कोई शॉपिंग नहीं की है और हम लोग खाना खाने के लिए निकले हैं क्योंकि देर बहुत ज्यादा हो रही है, 8:30 हो गए, इसके बाद ना सब कुछ बंद हो जाएगा। हम लोग ना पंजाब रेस्टोरेंट नहीं जा रहे, हमने रेस्टोरेंट चेंज किया है क्योंकि वो थोड़ा दूर है, 7 महीने का वो बहुत दूर है, तो शराफत के साथ किसी ऐसी जगह चल जाओ करीब है। और ये देखो यार, ये बिल्डिंग खूबसूरत है, ये अच्छी कंट्री में हम आए हैं। और वो शॉपिंग मॉल था जहाँ पे हम जलील हो रहे थे। मेन प्रॉब्लम भला क्या फेस हुआ, अगर आप स्टोर पे जाके चीज कोई खरीदते हो वो आपको लेट्स से शो कर रहा है 7,999, हमने एक लैपटॉप देखा नी का और यही ऐप के ऊपर, वहाँ पे आपको सस्ता शो करता है। यार ये देख रहे हो, ये लाइक एक भूल भुलैया टाइप है, यहाँ से जाते हो वहाँ से जाते हो और वहाँ से फिर नीचे से निकल आते हो। 15 मिनट पैदल चलने के बाद और आधा घंटा साइकिल चलाने के बाद हम एक जगह पे पहुँच गए। ओके, हमें मिल गया एम्बर पैलेस। ऑर्डर प्लेस किया ना, उसके मैंने पिक्चर ले लिया, वो
यहाँ पे कहीं आ जाएगी। तो मेरा इनिशियल इम्प्रेशन था कि चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन हमने साद भाई को कॉल किया, अभी भी वो फोन पे। साद भाई ने बताया कि जो उनकी क्वांटिटी है ना वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसका मतलब आप सेम खाना दो बंदों में डिवाइड कर। हम पहले सोचते थे दो बिरयानी ऑर्डर कर लेते हैं, एक बारबेक्यू और एक और ये खा लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि आप दो बिरयानी हो जाए, एक बिरयानी ऑर्डर करें, एक बारबेक्यू ऑर्डर करें और दो नान ऑर्डर कर लेते। एक स्प्राइट हमने मंगवाई है और इंडियन लड़का है ये पीछे वाला, अच्छा लड़का है। अब हम खाने का वेट करें। यार ये फिट क्वान्टिटी वाइज तो फिट है। ओके जी, तो फाइनली सारा खाना आ गया। ये बटर नान है, मेरे ख्याल से बस इसकी क्वांटिटी ज़्यादा, बाकी सब तो नॉर्मल है। खाना ना मज़ेदार है और ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है हर अच्छे खाने की तरह। मैं आपको ना एक बाइट लेके दिखाता हूँ इस बटर नान की। इस बटर नान की खासियत ये है कि ये नान नहीं है, ये नान जैसा लेकिन नान नहीं। और आप इसे इस तरह खाते, आप इसके बस थोड़ी सी मिर्ची लगाते हो। देखो आर्मी को भी बात नहीं करनी, मैं बहुत पैट्रियोटिक हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस मज़ेदार था। और 20% डिस्काउंट से चलो और बचत होगी। यू नो जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो ना कि हमने 140 पे करना है और उसके बाद फिर आपको 110 पे करना पड़ता है, तो आपकी लाइफ ऐसे ही अच्छी हो जाती। कैसा टेस्ट लगा? बहुत अच्छा था, मैं रिकमेंड करूंगा। रीजनेबल हो गया। यार मैं चीप नहीं हूँ, इसने कमेंट्स में भी बुरी बात नहीं करनी, मैं अच्छा लड़का हूँ। और मॉल बंद हो चुका है इसलिए हम निकलेंगे यहाँ से जल्दी। ऑलमोस्ट सारी शॉप बंद हो चुकी है, वो एंट्रेंस शायद बंद हो गया। हम लोग अब बस स्टॉप पे पहुंच गए हैं, यहाँ से 24 नंबर बस लेंगे और सीधा यूनिवर्सिटी तक जाएंगे, उसके बाद फिर दिन को एंड कर देंगे। और क्या, इतना लंबा दिन हो गया, 4 बजे के निकले हुए हैं और शाम के 10 बजने वाले हैं, बज गए हैं शायद 11 बजने वाले हैं। सो